वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों और गरीब तबके के लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट उमड़ पड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन जहां उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगा है, वहीं कुछ सामाजिक संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर महासभा के पदाधिकारियों ने SP ट्रैफिक व सिविल डिफेंस के लोगों के साथ मिलकर गरीब मजदूर व असहायों में भोजन के पैकेट और पानी का वितरण कराया है, जिससे कोई भी गरीब भूखा न रहे और लॉकडाउन का 100% पालन करें। ये तरीका नहीं है कि कुछ चार्ज देते ये तरीका नहीं है जो आ रहा है उसको दीजिए ना पता नहीं कौन कहां से आ रहा है खाली हाथ लौटा नहीं देता हां हां ले ले इधर वहां आधा से जाए निकलते रहिए लेकिन रुकिए मां इसको मारेंगे सही बात है इधर उधर तक ना पास जाए ये चित्रगुप्त मंदिर महासभा और ये सिविल डिफेंस के सभी लोगों द्वारा जो मिल के जो लोग जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनको ये भोजन उपलब्ध कराया गया है। और इसी प्रकार से अब सभी लोगों का आगे का भी कार्यक्रम है कि आगे भी वितरित करेंगे जाके हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग मरीजों को लेके आए जहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं किसी प्रकार से आप अच्छा कर्म करते हैं सभी लोग जो भी लोग भूखे हैं उनको भोजन उपलब्ध करा है। हम लोग चित्रगुप्त मंदिर महासभा के सदस्य हैं, वहाँ के कार्यकारी परिषद में हम लोग हैं। हम लोगों ने एक जज्बा अपने लोगों में हुआ कि हम लोग जितने भी लॉकडाउन में गरीब लोग बचे हुए हैं खाना बनवा करके अपने खुद देख रेख में हम लोग पाँच सात सदस्य जो वहाँ के हैं खुद बीड़ा उठाया और हम लोगों ने शुरू से शाम तक मेहनत करके घर में अपने जो मंदिर में बैठ करके कच्चा राशन ले आ करके पूरी सब्जी अच्छे तरीके से अच्छे तेल में अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया। और खास तरह यह रहा कि हम लोगों ने डिस्टेंस का मानक तैयार रखा, साफ सफाई से किचन को बनवाया, किचन में खाना बनाया और अपनी मदद से हर चौराहे पे और नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा हम लोग वितरित कर रहे हैं जिसमें पूरी और सब्जी हम लोग निःशुल्क खिला रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान